वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार। यात्रा करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा उसे धनुष फेंक दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष। शॉन, मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। पूरा बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे। पवन की दिशा देखो, पवन की।
लक्ष्य भेदने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्य भेद। क्यों नहीं, किंतु आप तो बालक है, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा। कुछ नहीं, क्षमा कीजिए। चलो बालक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? ये बालक छोड़ूंगा नहीं, अवश्य उसी दिशा में गए होंगे। कर्ण, सुन, कर्ण, कर्ण, रंग पाता उसे, कर्ण चढ़ी पाता हूँ जी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादा श्री धनुष उठाने जा रहे हैं। अरे कर्ण, कर्ण, सुन, सुनो सज्जनों, क्षत्रियो और धनुधारियो, क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? कर्ण, उत्तम, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, देखो कर्ण। हाँ पुत्र, पढ़। कर्ण, क्या आर्य वर्त में कोई धनुर्धारी नहीं? क्या सारी पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है? कोई नहीं जो अपराजित धनुष से लक्ष्य भेद सके? कोई है जो प्रयत्न करने का साहस लेकर जन्मा हो? मैं प्रयत्न करूंगा।
इन बालकों को तो देखो कैसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। क्या साहस है, अद्भुत। बालक, क्या ये केश माता की चोटी काट कर लगाए हैं? नहीं, घोड़े की पूंछ काट के लगाए। जाओ बालक, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, खेल नहीं। और कोई है जो धनुष उठाने का साहस कर सके? महोदय, मुझ में साथ। जाओ पुत्र, खेल खेल में इस धनुष से तुम्हें लग भी सकती है। जैसे इन छत्रियों को लग गई थी। मुझे बस एक अवसर दे दीजिए महोदय, मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग लाना है, उसके लिए मुझे इस धनुष की आवश्यकता है। जाओ पुत्र, जाओ। चलिए भ्राता। ठहरो, बालक को खेलने दीजिए महोदय। हाँ, वैसे भी इन योद्धाओं और इन क्षत्रियों ने बालकों जैसा ही तो प्रदर्शन किया था। मुख बंद रखो, अन्यथा मस्तक उतार लेंगे। अरे पहले धनुष तो उठाओ, फिर मस्तक काटने की बात करना। बालक, खाओ धनुष और दिखा दो इन क्षत्रियों को कि तुम्हारे खेल और इनके विद्या में कोई अंतर नहीं। आओ पुत्र, पहले इस धनुष को उठाने का प्रयत्न तो करो। सज्जनों सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा। जीते हर बार अगर झूठ ना पाए
महोदय, लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं।